अपनी ओरल कैविटी साफ करने के लिए दो चीजें याद रखनी है, क्या क्या? पहली प्रॉपर ब्रशिंग, जो मैंने अभी टेक्निक बताई ब्रश करने की वो, ठीक। सेकंड थिंग प्रॉपर डाइट, हम खाना क्या कौन सा खा रहे हैं, कौन सा नहीं खा रहे हैं। तीसरा, अगर हमारे दांतों में कोई भी प्रॉब्लम है, कैविटी है, कुछ भी है, तो हमें उसको तुरंत फिल करवाना है, तुरंत ट्रीटमेंट लेना है, मीन्स हमें फिलिंग करवानी है, जिससे हमें एक दांत से दूसरे दांत पे इन्फेक्शन ना हो, ठीक। उसके लिए हम क्या करेंगे, जब ब्रश करते हैं ना, तो हमें मिरर के सामने खड़े होकर ब्रश करना चाहिए। ये चीज बहुत कम लोग अडॉप्ट करते हैं, इवन बहुत सारे पेरेंट्स भी अडॉप्ट नहीं करते हैं, दे आर जस्ट ब्रशिंग द टूथ बाय रूमिंग हियर एंड देयर, ओके, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। हम अपने फेस को कितनी बार देखते हैं चेहरे पे, इवन हम लोग जब कार से बाईपास होते हैं ना, खासतौर से लेडीज, ठीक, वो अपने को उस मिरर में भी देखते हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं, ठीक है ना, बट हम अपने ओरल कैविटी को चेक नहीं करते, ठीक। तो थोड़ा सा हमें उसमें भी फोकस करना है,